ये सिटी हॉल है शार्लोटाउन का, जो कि अभी रिपेयर हो रहा है। उसका सिटी शार्लोटाउन, मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे इंग्लैंड में आ गया हूँ। सेम वही रेड ब्रिक से बनी हुई है हर यहाँ पे चीज़ें। कार पार्क्स हैं और यहाँ पे $2 शायद डालने पड़ते हैं 3 आवर्स। सिटी का बाजलिका, इसका नाम आगे जाके पढ़ते हैं, यह है सेंट डॉनस्टेंस बाजलिका। थैंक यू। हम अंदर दाखिल नहीं हो सकते आज शायद। इसकी हिस्ट्री लिखी होगी।
ये देखें कितना प्यारा ओल्ड स्टाइल हाउस ये है जी। चर्च के बिल्कुल साथ ही समंदर है आगे, और ये मैं इस वक्त आया हूँ उस जगह पे जहाँ पे कुछ दुकानें हैं। ये रेस्टोरेंट है लेकिन क्लोज है या ओपन है? ये देखिए उन्होंने कश्ती के अंदर ही फूल लगाया है। Chips, some other stuff to eat, pizza. Tomorrow, let it be. Wake up to the sounds of music. Mother Mary, come to me.
Established 1765. ये 1765 में बना था इसे। उसके काफी monuments हैं देखने वाले। मैं सारे तो नहीं देख पाया आज। Thank you.
देखें कितना ज़बरदस्त चर्च है। इसे पता नहीं चर्च नहीं लिखा हुआ, कर्क लिखा है और मुझे नहीं पता व्हाट डज इट मीन कर्क। अच्छा, एडमिंटन में हमारे उधर अल्बर्टा में ना इतने मोटे मोटे दरख्त नहीं होते। ये देखें, ये सिर्फ इधर ही है या वैंकूवर विक्टोरिया में ब्रिटिश कोलंबिया में थे। हमारे उधर सर्दी इतनी पड़ती है कि बड़े दरख्त सर्वाइव ही नहीं करते, पतले पतले दरख्त। लेकिन यहाँ पे देखें, मैं आपको भी फ्रंट भी दिखाता हूँ इस चर्च का। ये देखो कितने छोटे छोटे दरख्त, मैं मिस करता हूँ इतने बड़े दरख्तों को। ये यहाँ पे एंड हो रहा है और ये देखिए बहुत पुराना है ये भी, मैं इसकी हिस्ट्री देखता हूँ। और मैं जब भी पुरानी जगहों पे जाता हूँ ना तो मेरा दिल करता है मैं उनको हाथ लगाऊँ, मैं जैसे मैं फील करता हूँ उस दौर में चला गया हूँ। तो ये देखें, इसका नाम क्या है, ये देखिए, कर्क ऑफ सेंट जेम्स, फाउंडेड 1825, 1825 में बना था। और कर्क का मुझे नहीं पता क्या कहते हैं, मैंने फर्स्ट टाइम ही शायद देखा है। बहुत ही ज़बरदस्त है यार। ये इसका फ्रंट है, और ये देखें घर, ये इनका स्टाइल देखें। चर्च ऑफिस वहां पे लिखे, You want to say hello to world? ये देखें पुराने ज़माने का घर भी बना हुआ है इधर। ये स्टाइल देखें, ये आप फिल्मों में ही देखते होंगे, हॉलीवुड की फिल्मों में इस तरह का। अमेरिका में भी इसी तरह के होते हैं, नॉर्थ अमेरिका एक जैसा है। अभी देखें चर्च के सामने, लेट्स गो। ये देखिए जी, मैं दुनिया के सबसे बड़े पुलों में से एक पे जाने लगा हूँ। ये पता नहीं कितने किलोमीटर लंबा है, मैं बाद में सर्च करके बताऊँगा। ये कम से कम 15 किलोमीटर लंबा पुल है, जो कि जो कि प्रिंस एडवर्ड आइलैंड को न्यू ब्रंसविक से मिलाता है, दो सूबों को मिलाता है। ये देखिए, ये पीछे आपके प्रिंस एडवर्ड आइलैंड और आगे जाके न्यू ब्रंसविक। ये देखिए मेरा जीपीएस भी बता रहा है कि सर पानी में चलते हैं हमारी गाड़ी। इस वक्त हम समंदर में,